Thank you so much for coming here from the thumbnail. And if you are new to this channel and you're seeing this page first time, this is Divyani Rathor. I would love it if you took a second and hit that red button underneath this video. Okay, let's get started. So today we are talking about facial हेयर जो कि इस दुनिया में मोस्टली सबकी प्रॉब्लम है, सारी लड़कियों की प्रॉब्लम है. सबको लगता है फेशियल क्या करे, फेशियल के लिए ये करे वो करे फलाना ढिंगाना. आज उसके बारे में मैं आपको क्लियर कर देती हूँ क्या करना है, कैसे करना है और जो चीज़ आपको सूटेबल है आप वो चीज़ उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं. ओके, और एक और चीज़ बताऊँगी वीडियो के लास्ट में कि एक मतलब मैजिकल है वो चीज़, अगर आप उसको यूज़ करेंगे ना आपके हेयर्स बहुत कम हो जाएंगे. हेयर मतलब लाइक 80% तक कम हो जाएंगे. देखो बाल है, हम इंसान हैं, हमारी पूरी बॉडी में बाल होते हैं, ठीक है, कहीं बड़े होते हैं कहीं छोटे हैं और किसी को बड़े होते हैं किसी को छोटे होते हैं, कम ज़्यादा ही चलता रहता रेशो. पर ऐसा नहीं है कि किसी की बॉडी में बाल ना हो, कि ये नेचुरल है, हमारी बॉडी में बाल होंगे होंगे, तो परेशान होने की नहीं ज़रूरत है. इसके बहुत सारे टेम्परेरी सोल्यूशन भी है, परमानेंट सोल्यूशन भी है, काफ़ी हद तक हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, काफ़ी हद तक, ठीक है. तो मैं एक चीज़ बताऊंगी, बहुत ही सस्ती चीज़ है, पर मैं आपको लास्ट में बताऊंगी मेरी ट्रिक क्या है ताकि आप वीडियो में बने रहे. ओके, स्किप करके मत चले जाना. ओके, तो आज हम बात करेंगे फेशियल हेयर के बारे में. मैं आपको तीन चीज़ें बताऊंगी फेशियल हेयर में. देखो, या तो आप थ्रेडिंग करते हो, या फिर आप वैक्सिंग करते हो, या फिर आप शेविंग करते हो, है ना. तीन चीज़ें, इनमें से कोई ना कोई चीज़ कर सकते हो आप और ये टोटली कंफर्टेबल है. कुछ भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्किन और जो भी आपकी सेंसिटिविटी है या ये फलाना ढिमकाना जो भी. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे थ्रेड की. यू नो दैट क्या जो थ्रेडिंग होती है ना उसमें क्या चीज़ होती है, लाइक जब आप कहीं जाते हो तो क्या होता है, थ्रेडिंग करवाने जाते हो तो कभी होता है जिसकी सेंसिटिव स्किन है उसके लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है. क्या होता है जब थ्रेडिंग करवा के वापस आते हो आपके पिंपल्स हो जाते हैं. डू यू नो क्यों होते हैं, डू यू नो दैट मतलब उसके हो रहे मेरे नहीं हो रहे, ऐसा क्यों. सेम चीज़ है, वो भी वहीं से करवा रही हूँ, मैं भी यहीं से करवा रही हूँ. ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी स्किन सेंसिटिव है. ओके, तो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, कभी आपने पार्लर में देखा कैसे थ्रेडिंग करवाते हैं, जो थ्रेड होता है ना वो मुंह में डाला होता है उन्होंने और यहाँ से ऐसे करके लाइक ऐसे करते, यू नो दैट. तो कितना टाइम, काफ़ी टाइम लगता है थ्रेडिंग में. और आपको पता है जो थ्रेडिंग वाला थ्रेड है वो कॉटन से बना है, कॉटन से. तो जो मुंह का स्लाइवा है ना वो धीरे 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 नीचे आ जाता है और जहाँ थ्रेडिंग कर रहे होते हैं वहाँ तक पहुँच जाता है और उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से आपको पिंपल आते हैं. समझ रहे हो आप चीज़. तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, आपको ऐसा होता है, आप क्या करें, पार्लर में जाए और उनको ये चीज़ बोले प्लीज़ इस तरह से ना करें मेरे, क्योंकि सेंसिटिव स्किन है मुझे पिंपल आ जाते हैं. धागा होता है ना, धागा ऐसे तोड़ के ऐसे करके साइड में नॉट बांध के ऐसे घुमा घुमा के ऐसे वाला सिस्टम हो जाता है, फिर ऐसे वाला सिस्टम करवाना है आपको. लेट मी शो यू वन थिंग. ओके, गिव मी सेकेंड. ओके, थ्रेड लाना भूली बात. जैसे ये थ्रेड है मान लो, ठीक है, वो कैसे करता है ऐसे करता है, ऐसे करता है ना, यू नो दैट, ऐसे ऐसे करता है. तो इसकी वजह से क्या होता है, जो इसमें स्लाइवा होता है ना एक्चुअली धागे में, वो स्लाइवा ये देख रहे हो अभी कितना गीला हो गया, नहीं दिखेगा यार, कैमरा में कैप्चर करना मुश्किल है. यहाँ से लेकर ये नीचे तक आ जाता है, इन्फेक्शन होता है. आप क्या कर रहे हो उनको बोल कि थ्रेड है ऐसे तोड़ ले और ये, ठीक है, आप देखो तो घर पे भी कर सकते हो जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है. अगर आपको डर लगता है खुद से करना, ये नॉट बांध ले यहाँ पे ऐसे. ओके ओके, नॉट बन गई तो ये आ गया आपके पास थ्रेड. आपको क्या करना है, ऐसे 10-12 बार इसको घुमा लेना है या जितना भी आपको लगता है 12-15 बार घुमा लेना है, तो ऐसा बन जाएगा आपके पास. हाथ से होगा फिर उसमें क्या होगा, स्लाइवा नहीं जाएगा आपका, ऐसे बन गया हाथ से. तो उनको बोले कि ऐसे करके करें क्योंकि मुझे ऐसे कंफर्टेबल होता है. कुछ भी बोले अपने लिए या पैसे दे के करें, कोई फ्री में नहीं कर रहे. ओके, यू आर पेइंग. ओके, फ्री में नहीं करवाने, डरने की जरूरत नहीं है आपको. सिंस स्किन में प्रॉब्लम होता है तो आप ऐसे करके बोले उनको, ऐसे करके करे तो इससे क्या होगा, आपके पिंपल्स नहीं आएंगे. चले जी, हमने इस चीज़ के बारे में तो बात कर ली.
अब हम करेंगे दूसरी चीज के बारे में बात, वो दूसरी चीज है वैक्सिंग। ओके, देखो वैक्सिंग होती है ना, अगर आप करते हो मोस्टली लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है, या तो बर्निंग सेंसेशन होती है, बहुत रेड हो जाती है स्किन, यू नो लाइक ऐसे लगता है जल रहा है ये वो, उसकी उसका कारण क्या है। एक्चुअली जब आप वैक्स करवाते हैं ना पार्लर में, कहीं भी करवाते हैं, आप खुद से करते हैं, बहुत गर्म वैक्स यूज करते हो, तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आएगी आएगी, बर्निंग सेंसेशन होगी। और क्या होगा कि बड़े बड़े पैच में यूज करते हैं, जितना बड़ा पैच होगा ना उतने ज्यादा स्किन खींचेगी, ठीक है, समझ रहे हो आप, इतना बड़ा पैच है ना तो उसमें ज्यादा वो खींचेगी, पूरी स्किन खींच जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा आपकी स्किन लटकने लग जाएगी, समझ रहे हो आप बात। तो आपको क्या करना है उसके लिए, उसका सलूशन क्या है, आपको जाना है या पार्लर में या घर पे भी करनी है अगर आप, तो शुगर वैक्स या कुछ भी कर सकते हैं, वो घर पे भी बना सकते हो। उसके लिए मैं जल्दी वीडियो लेके आऊंगी, मैं आपको बताऊंगी घर पे कैसे वैक्स बनानी है, बहुत ईजी है, इतना कोई झंझट नहीं, आप घर पे भी कर सकते हो ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उनको बोलना है कि ऐसे छोटे छोटे पैच में करनी है, छोटे छोटे पैच में, ना आपकी स्किन खींचेगी ना मतलब वो गिरने लगेगी, उसकी वजह से खींचेगी तभी तो आपकी स्किन साग होगी, क्योंकि रबड़ है, आप खींचेंगे ना एक बार जोर से खींचना, उसको क्या होगा वापस आने में काफी टाइम खींचते रहना, टाइम लेगा, है ना, छोटू छोटू खींचेंगे ना तो कुछ नहीं होता यार, इतना टाइम छोटे छोटे उसमें पैच में करना है आपको, ठीक है। एक ये चीज बता दी मैंने आपको, और दूसरी मैंने क्या बताई थी आपको, वैक्सिंग से क्या होती है, रेडनेस होती है, उस चीज के लिए क्या करना है, आप जब वैक्स बनाते हो ना, देखो आप बाहर भी बनाते हो, जो भी खुद से चेक करनी है, मुझे चेक करनी है वैक्स गर्म तो नहीं है, देन आप अपने फेस पे यूज कर लो उसको, ठीक है, अपने फेस को आप किसी के हाथ पे सूंघ रहे हो, ठीक है, तो उसको क्या करना, वैक्स आएगी आप उसको टच कर ले या फिंगर ना उसमें डाल दे, एक फिंगर डाल दे, अगर आपकी फिंगर नहीं जल रही है ना, मतलब आप समझ लो फिंगर से भी काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है ये पार्ट, अगर फिंगर ही आपकी जलन लगी तो यहाँ तो कितनी जलन होगी, ठीक है। फिंगर में जब आपको कोसा कोसा फील होगा, लाइक ना गर्म में ज्यादा ना ठंडी, आप कोसा कोसा समझ लो, कोसी वाली फीलिंग आएगी ना जब, इट मीन्स वो ओके आपको यूज करने के लिए, तो आपको ज्यादा बर्निंग सेंसेशन नहीं होगी, सेंसेशन नहीं होगी, ठीक है। तो ये था वैक्सिंग वाला पार्ट, वैक्सिंग आप घर पे भी इजीली कर सकते हैं, बहुत इजीली, उसके लिए आप देखिए, अगर तो आप बहुत ही न्यू है, आप फर्स्ट टाइम घर पे कर रहे हो, ठीक है, आपने बाहर भी नहीं करवाई और डायरेक्ट घर पे कर रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूंगी ना करें, आप क्या करें, आप पार्लर जाइए पहले, पार्लर में जाते हैं जब वो करते हैं ना तो ध्यान रखना वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब क्या क्या कैसे कैसे यूज कर रहे हैं, वो चीज सीखनी है फिर घर पे ट्राई करनी है ना। तो क्या होता है आप जब जाते कहीं, एक बात बताऊं आपको, इंसान है हम, ठीक है, वो भी इंसान है और हम चीजें सीख सकते हैं एट द एंड, है ना, तो आपने क्या करना है, वहां से सीख के जब आप घर आएंगे फिर घर पे ट्राई करनी है, डायरेक्ट ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं है, नूब है आप, मतलब नूब जानते हो ना, कुछ भी नहीं आता है आपको और डायरेक्ट वैक्स लेके लग गई। और एक और याद रखना, वैक्स कभी मतलब ऐसे ऊपर से नीचे को नहीं खींचते, बाल की डायरेक्शन हमारी नीचे को होती है ना, नीचे को होती है, वैक्स लगाई नीचे वाली पोर्शन में फिर ऊपर को खींचना। और एक और चीज, स्किन बिल्कुल टाइट करनी है, लाइक ऐसे ऐसे कर ले या ऐसे जोर से ऐसे ऐसे पकड़ ले फिर ऐसे खींचे, ऐसे ढीली स्किन में नहीं खींचना, तो ज्यादा खिंचाव पड़ेगा, ज्यादा लटकेगी स्किन, है ना, स्किन टाइट करनी है, चाहे इधर को पकड़े चाहे इधर को पकड़े, ऐसे पकड़े जैसे भी है आपको टाइट करनी है, ऐसे न्यू लगा के ऐसे कर ले, ठीक है, स्किन टाइट रहेगी तो आपकी लटकेगी नहीं स्किन, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी सेकेंड वाले की, जो की खत्म हो गया, अब करेंगे हम तीसरे की बात, जो मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको पता है मैं मतलब थ्रेडिंग भी करवा चुकी हूँ, वैक्सिंग भी करवा चुकी हूँ, और थ्रेडिंग तो लाइक पूरे फेस के लिए, थ्रेडिंग तो अभी पीछे भी काफी टाइम तक मैं करवाती थी थ्रेडिंग, बट यू नो हैट्स ऑफ लॉकडाउन, कुछ तो हमें सिखाया लॉकडाउन ने, ओके तो लॉकडाउन में मतलब लॉकडाउन में मैंने ये चीज सीखी, देखो मैं फेस तो बहुत बहुत सालों से कर रही हूँ, ठीक है, शेव कर रही हूँ, इट्स वेरी सेफ, वेरी वेरी सेफ फॉर मी, एटलीस्ट मैंने खुद ट्राई किया, मेरे पर्सनल व्यू से बहुत ज्यादा सेफ है, मुझे तो नहीं लगा, मेरे मोटे वाला है मुझे तो नहीं लगा कुछ भी हुआ, मेरे फेस में कोई चेंजेस हुए कुछ भी, नथिंग एल्स, वो सेम है, जैसे सबसे इफेक्ट मिलते थे वैसे मुझे इससे इफेक्ट मिलता है। देखो ये पर्सनल चॉइस है, आपने नहीं करवाना है ना करवा, इट्स ओके, दैट्स अप टू यू, बट अगर आप ये सोचेंगे तो ये सेफ नहीं है तो फिर आप गलत सोच रहे हो, ओके चलो ठीक है, आपकी मर्जी, जो भी करना है अपना, एट द एंड आपका डिसीजन, ओके।
तो क्या अभी थ्रेडिंग, तो एक्चुअली मैं थ्रेडिंग नहीं करती थी, सॉरी थ्रेडिंग नहीं, आईब्रोज नहीं करती थी, वो थ्रेडिंग ही करवाती थी क्योंकि मुझे लगता था मैं शेप खराब कर दूंगी, मेरी आईब्रोज की शेप खराब कर दूंगी, पता नहीं क्या होगा, कहीं ज़्यादा ही कट ना कर दूँ ये फलाना। और लॉकडाउन आया तो यू नो पार्लर्स बंद, एवरीथिंग बंद, और मेरी बहुत बूशी आईब्रोज है, ठीक है, आ जाती है, एकदम आ जाती है कुछ टाइम बाद, मुझे करवानी होती है, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं मुझे खुद से अच्छा नहीं लगता कि रफ रहूँ मैं, थोड़ा मेरे को अच्छा लगता है कि घर पे भी हो पर अच्छे दिख रहे हो आप, ठीक है। तो लाइक मैंने क्या किया लॉकडाउन टाइम में, रेजर लेके कि ट्राई करते, लेट्स ट्राई क्या होता है, ओके मैंने ट्राई किया तो यार वो इतना अच्छा टर्न आउट हुआ ना, लाइक जैसे मैं थ्रेडिंग का इफेक्ट होता था ना वैसे, आई वॉज न्यू, ओके पूरे फेस पे आई वॉज डूइंग यू नो फोर हेड चीक्स एंड ऑल एवरीथिंग आई वॉज डूइंग, बट आई वॉज नॉट डूइंग आईब्रो ना, आई वॉज सो मतलब स्केयर दैट टाइम कि कहीं मैं कट ऑफ ना कर दूँ, बट यू नो सारा करेज लेके मैंने किया और बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ, मतलब मुझे ऐसा लगा नहीं अभी तो मैं पार्लर नहीं जाने वाली हूँ, थ्रेडिंग की इतनी दर्द नहीं सहने वाली, देखो मैं बॉडी पे भी थ्रेडिंग नहीं करती हूँ, थ्रेडिंग सॉरी वैक्सिंग या जो भी नहीं करती हूँ, आई यूज रेजर यार, पूरी बॉडी पे मैं शेव करती हूँ बिकॉज मुझे डर लगता है वैक्सिंग की दर्द से भी, थ्रेडिंग से भी मुझे बहुत पेन होती है, बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो मैं वो बिना वजह की पेन सहन नहीं कर सकती, तो मैं क्या करती हूँ शेविंग करती हूँ, तो बहुत ईजी है वो चीज़, ओके। तो हमने तीन मेथड तो जान लिया ना, पर्सनली मेरा शेविंग फर्स्ट है, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस में शेविंग 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 होगा, ठीक है, बाकी आपके अकॉर्डिंग है। देखिए एक चीज़ बताऊँ, कोई भी चीज़ खराब नहीं है, ना थ्रेडिंग खराब है, ना शेविंग, ना वैक्सिंग, इट डिपेंड्स, अगर सही तरीके से करोगे तो कुछ भी खराब नहीं है, अगर गलत तरीके से करोगे तो हर चीज़ खराब है, ठीक है। तरीका आना चाहिए आपको करने का, कैसे करना है, और जिससे आप करवा रहे हो उसको तरीका आना चाहिए करने का, ओके। तो ये थी वीडियो, और मैंने बताया था लास्ट में मैं बताऊंगी आपको जिससे बाल कम हो जाएंगे, गारंटेड है 120% गारंटेड है, आप मतलब 3-4 महीने करेंगे ना आपके बहुत हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे बाल, सीरियसली आप करके देखो, ठीक है। हफ्ते में 2 बार करने एटलीस्ट, मैं तो एक्चुअली ये करती हूँ जब भी मूड होती हूँ ना, दिन में 1 बार कर लेती हूँ, मतलब आई डोंट नो मेरी स्किन में कुछ नहीं होता, बट मे बी आपकी स्किन में कुछ हो, आई डोंट नो, मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर सकती, आप हर दिन इसको करें अकॉर्डिंग टू यू, हफ्ते में 2 बार करें तो वैसे तो कुछ भी नहीं आता है, मैं बताती हूँ उसको, रिवील करती हूँ क्या है वो, फिटकरी यार एलम, डू यू नो दैट 10, 12, 15, 20 कितने की आती है वो एलम, ओके तो वो आप यूज कर सकते, गिव मी सेकंड, आई विल टेल यू व्हाट दिस इज एलम, ओके फिटकरी जो भी बोलते हो आप, फिटकरी ये आप यूज कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा मतलब ये मेरे वॉशरूम में हमेशा पड़ी रहती है, हमेशा हमेशा, लाइक मैं हमेशा यूज करती हूँ, मतलब लाइक जब भी मूड होती हूँ या नहाती हूँ, आपकी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अगर ये आप अंडर आर्म्स में लगाएंगे ना आपको पसीने की बदबू नहीं आएगी, मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली है, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल, आप वहाँ जाके देख लीजिए, फिटकरी अगर आप अंडर आर्म्स में यूज़ करेंगे तो आपके बदबू नहीं आएंगी, बिल्कुल भी नहीं आएंगी, मतलब आप चेक करना वो वीडियो जाके, आपको समझ आ जाएगा, ओके। फिटकरी के बहुत सारे फायदे, फिलहाल हम ये बात करते हैं कि फेशियल हेयर में कितना मतलब कितना क्या ही बताऊँ आपको कितना ज़्यादा, या तो आप ये कर सकते हैं ना, देखिए अगर आपको फिर भी डर लगता है कि मेरी सेंसिटिव, आप फिटकरी के बारे में किसी से भी पूछ लेना, आपके घर में सबको ही पता होगा, मोस्टली ये तब यूज़ करते हैं जैसे कभी आप शेविंग करते कट वट लग गया तो ये इजीली उसको हील कर देता है, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है कि इससे कुछ हो ना जाए, आप क्या करें इसका पाउडर बना लें, फिर रोज़ वाटर में ना उसको मिक्स करके लाइक जेल टाइप से, अगर मतलब आपने आधा चम्मच ले लिया तो 1 चम्मच वो लेना, मतलब 1:2 करना है वो बनाना है और उसको लगाना है और आधे के घंटे बाद धो देना है, हफ्ते में 2 दिन करना है बस आपने, हफ्ते में 2 दिन, 3 रख लो या 4 रख लो, 3.5 महीने बाद आप मेरे को गारंटेड बताएंगे कि मेरे बाल बहुत कम हो गए, बहुत कम। ये क्या करता है हमारी रूट्स को ना वीक करता है, उसकी वजह से बाल ही गिर जाते हैं, जड़ से ही गिर जाते हैं, समझ रहा, ये मतलब आप खुद ट्राई करना, ये मैं आपको ट्रिक बताना चाहती थी, मतलब अभी मैं दिखा नहीं सकती आपको, मेरे फेशियल हेयर बहुत कम हो गया, मतलब लाइक मैंने पर्सनली यूज़ किया ये चीज़ है ना, मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में कि ये कुछ है, बट किसी में भी यूट्यूब क्या है, आई डोंट रिमेम्बर कौन सा यूट्यूब किसकी वीडियो में मैंने देखा था कि ये चीज़ ऐसी होती है, और मैंने पर्सनली ट्राई किया, सच में होता है यार, ट्राई करके देखना आप, ट्राई।
जरूर फिटकरी 10-12 रुपए ओनली, हार्डली 20 रुपए ओके। और दूसरी भी मिलती है, रॉ सी होती है जो किसी शेप साइज में नहीं होती, और ये तो आई थिंक डब्बे में आई थी 10-15 रुपीज की थी ओके। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाह रही थी। तो आज की वीडियो यही थी, आई होप आपको थोड़ी बहुत तो पता चला होगा कि आपको क्या करना है, क्या सही है, थोड़ी बहुत तो नॉलेज मिली ही होगी। और एक चीज़ बोलूँ, आप हर चीज़ घर पे कर सकते हो। जब आप पार्लर जाते हो ना, अपना दिमाग और आंखें ना खुली रखा करो। जब वो कहते हैं आंखें बंद करो, नहीं करनी बंद, खुली रखनी है खुली रख के देखना है सब क्या क्या हो रहा है, और आप वो खुद सीख के खुद कर सकते हो, घर पे बैठ के कर सकते हो, जितना कर सकते हो ना। जो नहीं कर सकते पार्लर में जाके करवा लो, दैट्स इट। खर्चे क्यों करने उधर, गालियाँ बहुत पड़ती होगी खर्चों के लिए ना। चलो ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक कर दे, नहीं लगी तो भी लाइक ना करे, स्किप कर दे, पर डिसलाइक मत करे यार, मेहनत लगती है पता वीडियो बनाने में, और हमें मोटिवेशन चाहिए। डिसलाइक करेंगे तो अब हम मोटिवेशन डाउन हो जाता है, ऐसा लगता नहीं। लाइक करेंगे तो ऐसा लगे नहीं, लोगों को 10-12 जितने भी लाइक आते हैं अच्छा लगता है यार, नहीं वीडियो नहीं, और सब्सक्राइब जरूर करें यार। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी नोटिफिकेशन आपके पास आएगी, इसकी वीडियो मतलब बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए मेरी वीडियो आएगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करें, अदरवाइज बाय बाय, टेक केयर, बाय। यू जरूर करे। सोनिया क्या हो गया मुझे, वैक्सीन थ्रेडिंग फलाना ढिमकाना ओके। तो मैं क्या करती हूँ, okay, thank you so much for coming here from the thumbnail, and you're saying first